मीट मंत्रा स्टूडेंट्स आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी नई यूनिट सेकंड लास्ट यूनिट है ये अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी मीनिंग ऑफ बजट कि बजट क्या होता है देखो बच्चों अगर मैं आपकी घर की बात करूं दो मिनट के इकोनॉमिक्स को अपन इकोनॉमी से बाहर निकल के अपने घर की सोचते हैं कि घर पे जब पहली तारीख आती है जब फर्स्ट अप्रैल या फर्स्ट मई फर्स्ट जून फर्स्ट जुलाई जो पहली डेट आती है तो सबको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या लगता है कि सैलरी आने वाली है ठीक है अब हम उस सैलरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हमारे जितने भी हमारे पास जितने भी खर्चे होंगे वो हम प्लॉट करना चालू कर देंगे ठीक है या फिर उस सैलरी के अलावा भी अगर और कहीं से भी हमारे पास इनकम आनी होगी तो पहले हम ये एस्टिमेशन लगाएंगे कि मेरे पास पूरा रिसीव कितना है कितना पैसा मेरे पास पूरा रिसीव होगा ठीक है और फिर मैं एस्टिमेट लगाऊंगी कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एस्टिमेट लगाती हूँ कि महीने के आई एम अर्निंग 30,000 रुपीज ठीक है अब 30 में से 20 में मुझे एक जगह से मिलता है 10 मुझे एक जगह से मिलता है तो मेरे किस में आ जाएगा रिसीव में आ जाएगा एक्सपेंडिचर पर यही है मेरे खर्चे हैं जैसे आपके पेरेंट्स घर पे करते होंगे स्कूल की फीस देनी है घर का राशन लाना है दूध वाले को देना है मोबाइल रिचार्ज है फोन रिचार्ज है पेट्रोल है एंड सो ऑन ठीक है तो ये सब हो क्या रहा है ये सब हम बजट का क्या कर रहे हैं एस्टिमेशन कर रहे हैं कि कितना पैसा मेरे पास आएगा और कितना मैं खर्च करूंगी तो ये जो एस्टिमेशन होता है ना पैसे के आने का और उसे खर्च करने का क्या कहलाता है बजट बजट एक ब्लूप्रिंट है किसका रिसीट है एक्सपेंडिचर का जो हर जगह हमारे घर पे भी है कंपनी में भी है गवर्नमेंट में भी है ठीक है अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट के लिए बच्चों ये सिर्फ खाली कब होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च ठीक है फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गवर्नमेंट के पास जितनी भी पैसा आएगा जितना भी और जितना भी खर्चा होगा उन सबका एस्टिमेशन क्या कहलाता है बजट कहलाता है ठीक है बच्चों बजट हमें सिर्फ मुझे फ्यूचर ही नहीं बताता बजट के अंदर हम लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर भी करते हैं और फिर एस्टिमेशन लगाते हैं करंट ईयर की कि अब इस साल मुझे क्या क्या खर्चा करना है कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ मुझे उसको प्लॉट करना है ये पूरी प्लॉटिंग हमारी क्या कहलाती है बजट क्लियर